जिला भर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालान व अवैध खनन माफिया के चालान सबसे ज्यादा सुजानपुर में किए गए हैं, जिससे रोड दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। ये बात पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने सुजानपुर में आयोजित नशा निवारण कैंप समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नशा करना सामाजिक बुराई है, इससे न केवल धन खर्च होता है बल्कि यह बीमारी को भी न्योता देता है। नशा करने से आदमी का मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। उन्होंने बताया कि नशे से घरेलू हिंसा भी बढ़ती है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश के युवाओं को नशे की लत लगाकर हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नशे करने से हमारा युवा वर्ग एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है, जो देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि अपने बच्चों की दिनचर्या पर नजर रखें, यदि उन्हें अपने बच्चे के ऊपर संदेह होता है तो सोच समझ कर उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि नशा एक सिगरेट से शुरू होकर बड़े से बड़े नशे तक पहुंच रहा है, जिससे समाज में नशा करना एक आम बात हो गई है, लेकिन इससे कुप्रभाव भी काफी बढ़ गए हैं, जिससे कि नशा कई बीमारियों को भी न्योता दे रहा है और काफी पैसा भी इन बीमारियों पर खर्च हो रहा है। लोगों से आग्रह किया कि नशे की लत से दूर रहें और बच्चों को भी नशे की लत से दूर रखें। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लड़कियां भी नशा करती हुई पकड़ी जा रही हैं। वहीं थाना प्रभारी श्यामलाल ने भी नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि नशा करना मौत को दावत देना है। जो नशे की खेप पकड़ी जा रही है वो ये बता रही है कि पुलिस इस मामले में सक्रियता से काम कर रही है। पिछले साल को देखते हुए इस साल जो नशे की खेप पकड़ी गई है, जो मुकदमे हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, तो ये सीधा सा संकेत ये है कि पुलिस और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है, तभी ज्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं और नशे की खेप भी पकड़ी जा रही है। ये जो नशा निवारण समिति के तहत जो आज का कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य ये है। आप देखेंगे कि आज जो लोग यहाँ पर आए हैं उसमें ना सिर्फ सुजानपुर के लोग हैं, बाकी आसपास के गाँव के लोग भी पहुंचे, और हमारा उन लोगों को ये एक उनसे अपील है कि सामने आए जो भी सूचना उनके पास में है, क्योंकि होता यह है कि गांव के लोगों को अपने गांव का लगभग पता होता है, तो कौन व्यक्ति इसमें शामिल है, कौन बच्चे इसके पीड़ित हैं, वो हम तक सूचनाएं पहुंचाए ताकि हम और प्रभावी रूप से पुलिस को इसमें सक्रिय कर सके और नशे पे हम एक रोकथाम लगा सके। निश्चित रूप से किए जाएंगे, ये सुजानपुर में हुआ है, बाकी सभी जगहों पर भी हो रहा है, और इस बार मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं और बाकी जो अफसर हैं, पुलिस थाने के लोग हैं, वो गांव में जाके हम ये नशा निवारण के कैंप लगाएं।